गुजारिश करूंगा वजीर अला हुसैन सैयद मुराद अली शाह साहब से। रहमान रहीम, चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, वफाकी वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब सैयद कायम अली शाह साहब, निसार अहमद खोड़ो साहब सदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सिंध, शरी रहमान साहिबा, मियां रजा रब्बानी साहब यहां स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अहदेदार और खास तौर पे कराची डिवीजन के सदर सईद गनी साहब, हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहंदी साहब, कौमी सूबाई असेंबली के मेंबरान और यहाँ कराची डिवीजन से आए हुए, ये जहाँ तक नजर पड़ती है वहां तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जियालो, मेरी बहनों अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज से 55 साल पहले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने एक पार्टी का कयाम किया जिस पार्टी का नाम उन्होंने अवाम के ऊपर रखा, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज 55 साल पूरा होने के बाद जिस तरीके से, जिस विजन से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पार्टी का कयाम किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, सदर आसिम अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उसी विजन के तहत अवाम की खिदमत के लिए ये पार्टी कोशा है। और आज 55 साल गुजरने के बाद भी अगर पाकिस्तान में अवाम के ख्याल रखने वाली कोई जमात है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आज के दिन चेयरमैन साहब का हुक्म आया कि पूरे पाकिस्तान में जिले की सतह पे हम ये दिन मनाए और पार्टी तंजीमें अपने जिलों में लोगों से मिले, अपने वर्कर से मिले। और इस सिलसिले में चेयरमैन साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कराची का इंतखाब किया, सिंध के दारुल हुकूमत का इंतखाब किया, जहां पे वो खुद अपने वर्कर से मिलने आए। और आज हम सब चेयरमैन साहब से पार्टी के 55 साल मुकम्मल होने पे उनके विजन